हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? और ये सामने जो आप देख रहे हैं, 155 इंच का स्क्रीन साइज़ बना हुआ है। और ये प्रोजेक्टर जो है, आपको मैं प्रोजेक्टर भी दिखा देता हूँ। ये रखा हुआ है TSLT 22A+ प्रोजेक्टर है ये, ठीक है। एंड्रॉयड 9, 1 GB रैम, 8 GB रोम, नेटिव फुल HD 1080p, अप टू 4K 8K वीडियो सपोर्ट। USB कनेक्टिविटी आपको दो मिल जाएगी, HDMI कनेक्टिविटी दो है, ऑक्स एवी, ये सब कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। वाईफाई ब्लूटूथ भी है प्रोजेक्टर में। और ये होम स्क्रीन है प्रोजेक्टर का ऑन होने के बाद में। और सेटिंग जो है प्रोजेक्टर का, यहाँ नीचे आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आईफोन वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ मिरर स्क्रीन भी मिल जाएगा। आपका फ़ोन जो है स्क्रीन कास्ट भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। और लेगिंग फ्री बिल्कुल कास्ट होता है, लेग नहीं होता है इसके अंदर। नेटफ्लिक्स है और बाकी ये फीचर्स आप देख सकते हैं। प्ले स्टोर, यूट्यूब, प्राइम वीडियो, सेटिंग, यहाँ पे पूरा प्रोजेक्टर का सेटिंग आ जाएगा। सेटिंग में वाईफाई कनेक्टिविटी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं आप। ओके। और यहाँ पे फाइल मैनेजर, एक सेकेंड, यहाँ ब्लूटूथ मिल जाएगा आपको। ओके, ब्लूटूथ भी आप यहाँ होम थिएटर वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली मेरे से बार बार होम पेज का बटन दब जा रहा है, तो होम पे पहुँच जा रहा है बार बार ही। और यहाँ पे आपको डिजिटल 4D कीस्टोन का जो है सेटिंग मिल जाएगा। इसमें डिजिटल 4D कीस्टोन में आप कॉर्नर टू कॉर्नर स्क्रीन सेट कर सकते हैं। देखिए, अभी जो है मैंने सेट कर रखा था इसका स्क्रीन, तो अभी हम जो है यहाँ से स्क्रीन सेट कर लेते हैं। इस तरीके से आप स्क्रीन इसका जो है सेट कर सकते हैं। ओके, ये इस तरीके से आप यहाँ जो है स्क्रीन सेटिंग कर लेंगे डिजिटल 4D कीस्टोन के थ्रू। और ये काफ़ी बेहतरीन फीचर्स हैं। बाकी मैं आपसे यही बोलूँगा, प्रोजेक्टर आप भी सेंटर में ही रख के चलाएं तो अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो है स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं आप। प्रोजेक्टर यदि सीलिंग माउंट पे माउंट कर देते हैं आप सीलिंग पे, तो आप यहाँ से स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं आपका। ओके। और यहाँ पे आपको डिजिटल जूम इन मिल जाएगा, जो कि 50% तक डिजिटल जूम इन कर देता है ये, ठीक है। जूम इन करेगा दोस्तों, है ना, आउट नहीं करेगा। नहीं तो आप बोलोगे सर आउट नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ से आप को ये डिजिटल जूम इन मिल जाता है। ओके, ये मैंने स्क्रीन छोटा किया है तो कॉर्नर पे पता पड़ गया मुझे कि कौन सा कॉर्नर इसका थोड़ा सा तिरछा हो रहा था। अब हम इसे 60 इंच से 155 इंच पे ले जाते हैं। ओके, ये 155 इंच पे वापस अपना स्क्रीन पहुंच गया है। और यहाँ पे मोटराइज्ड फोकस इसमें सेटिंग दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है मोटराइज्ड रिमोट के थ्रू, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे रिमोट के थ्रू आप फोकस क्लीन कर सकते हैं बिल्कुल। ओके, इस तरीके से। तो ये सेटिंग जो है यहाँ मैंने दिखा दिया है आपको। और उसके बाद यहाँ लैंग्वेज सेटिंग मिल जाएगा आपको। लैंग्वेज तो वैसे देखिए कुछ ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बाकी आप देख लो जैसे भी है। ओके, और यहाँ पे आपको इनपुट मेथड का ऑप्शन मिल जाएगा। और यहाँ एंड्रॉयड कीबोर्ड सेटिंग दिया है दोस्तों। ये तो देखिए, मैं तो कभी यूज़ करता ही नहीं हूँ, इसलिए इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सेटिंग है। अब आप लोगों ने यदि यूज़ किया हुआ तो आप देख के ही समझ जाएंगे कि क्या सेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे डेट सेटिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आप तारीख पूरा सेट कर सकते हैं अपना। ओके, यहाँ से आप पूरा यहाँ पे जो है तारीख सेट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सेटिंग मिल जाएगा आपका, जो एप्लीकेशन यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो वो यहाँ पे आपको शो कर देगा, ठीक है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट दिया हुआ है, पर यहाँ पे अपडेट नहीं होगा, ये कंपनी पे ही अपडेट होगा आप भेजेंगे तो, ठीक है।
अदर सेटिंग यहाँ मिल जाएगा आपको, बूट ऑप्शन मिल जाएगा, ऑफ़ है HDMI 1, HDMI 2, AV, ठीक है। आप इस पे यदि HDMI पे सेट कर देते हैं प्रोजेक्टर को, और यहाँ पे जैसे HDMI 1 सेलेक्ट कर दिया, अब आप प्रोजेक्टर को यदि बंद करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्टर को बंद किया आपने, फिर दोबारा जब कभी भी चालू करेंगे तो HDMI आपने सेलेक्ट कर रखा है तो HDMI 1 पे ही चला जाएगा। HDMI 2 आप सेलेक्ट करते हैं तो जो होम स्क्रीन होता है सीधे HDMI 1, HDMI 2 या AV जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वही होम स्क्रीन आपका आएगा प्रोजेक्टर ऑन करने के बाद। तो ये सेटिंग यहाँ दिया हुआ है। और आपका जो ये स्टैंड बाय, मतलब आप जैसे पावर केबल लगा देते हैं प्रोजेक्टर में, ओके, और यहाँ पे स्टैंड बाय पे है तो आपको रिमोट से ये पावर बटन जो यहाँ दिया हुआ है ना, ये वाला कहाँ गया, ये इससे ऑन करना पड़ेगा प्रोजेक्टर। अभी स्टैंड बाय पे है तभी प्रोजेक्टर ऑन होगा। यदि आप डायरेक्ट पे करते हैं तो जैसे ही आप प्रोजेक्टर को सिर्फ सप्लाई देंगे, करंट देंगे, वैसे ही प्रोजेक्टर खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ही आपको मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे प्रोजेक्टर अपने आप कितनी देर में बंद हो जाए, तो यहाँ पे 2 घंटे तक की टाइमिंग दी हुई है। आपको जो भी सेट करना है जैसे 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट आप सेट कर देंगे, प्रोजेक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा उतनी देर में। तो ये सेटिंग भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और अबाउट है, अबाउट में आप यहाँ देख सकते हैं Android 9 है, 1 GB RAM, 8 GB ROM है, ठीक है। तो ये सेटिंग दिखा दिया है यहाँ मैंने आपको टोटल जो भी पॉसिबल था। और आपका फाइल मैनेजर है यहाँ पे, फाइल में वही जो आपका पेन ड्राइव जैसे यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर रखा है एक, तो यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर आपके जो भी वीडियो होंगे वो यहाँ दिखा देगा। और आप प्ले भी कर सकते हैं यहाँ से, मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। आप क्लियरिटी देख सकते हैं यहाँ, काफ़ी अच्छी क्लियरिटी है, नेटिव फुल HD 1080 भी है प्रोजेक्टर, फुल HD 1080 भी प्रोजेक्टर है, अप टू 4K 8K वीडियो है। और आपका जो है ल्यूमिनस 9800 लुमिनस है, Android 9, 1 GB RAM, 8 GB ROM, बाकी पूरा फीचर मैंने आपको दिखा दिया है। और वॉइस के लिए 10 वाट का एक स्पीकर लगा हुआ है जिसकी वॉइस इनफ है बिल्कुल जितनी होनी चाहिए। ये डोर ओपन है, इतनी लाइटिंग अंदर आ रही है, यहाँ प्रोजेक्टर ये रखा हुआ है। ठीक है, वॉइस में कम कर देता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत चिल्ला चिल्ला के आप कुछ भी बात पता नहीं पड़ेगी। इसमें आवाज़ बहुत तेज़ है प्रोजेक्टर की, मैं फुल डार्क रूम करके दिखाता हूँ आपको। ये फुल डार्क रूम कर दिया है, बिल्कुल फुल डार्क, ओके। फुल डार्क रूम है और स्क्रीन साइज भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं। और होम सिनेमा के लिए बिल्कुल बेस्ट प्रोजेक्टर है, आपको सुपर से ऊपर एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल प्रोजेक्टर में। LED की जगह बिल्कुल आप ये मॉडल लेके और अपने स्क्रीन पे अपना घर का स्क्रीन बड़ा कर सकते हैं, और LED से कई गुना बड़ा कर सकते हैं आप। LED आप लेंगे जितना इंच आपने ले लिया बस उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा। सुपर क्लियरिटी, सुपर एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ओके। बाकी आपको यहाँ पे पिक्चर मोड भी मिल जाएगा, पिक्चर मोड में आपको यही कलर चेंज करना है तो आप देख सकते हैं विविड स्टैंडर्ड और ये विविड सॉफ्ट, PC मोड, यूजर स्टैंडर्ड,
ये सभी मोड आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड ऑटो 4:16:9 4:3, ये साउंड मोड है। स्टैंडर्ड न्यूज म्यूजिक मूवी स्पोर्ट यूजर स्टैंडर्ड, तो ये सेटिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और दोस्तों प्रोजेक्टर का प्राइस जो है अभी 24,000 रुपये प्रोजेक्टर का प्राइस है, 24,000। 1 ईयर वारंटी के साथ में प्रोजेक्टर मिलेगा, प्रोजेक्टर की 1 ईयर वारंटी है। और एलईडी लाइफ की बात करें तो एलईडी लाइफ प्रोजेक्टर का जो है 50,000 घंटे है। 50,000 घंटे निकालने के लिए आप प्रोजेक्टर को एक मूवी देख लें और 1 घंटे के लिए बंद कर दें, फिर दोबारा एक मूवी देख सकते हैं। या आपको थोड़ा ज़्यादा चलाना है तो आप 4 से 5 घंटे भी चला सकते हैं, पर ज़्यादा से कि 4 से 5 घंटे चलाने के बाद आप प्रोजेक्टर को 1 घंटे के लिए ऑफ भी कर दीजिए। ओके, जब प्रोजेक्टर प्रॉपरली एकदम ठंडा हो जाएगा ना, कूल हो जाएगा, तो फिर आप दोबारा उसे यूज़ में ले सकते हैं। और फिल्टर जो है टाइम टू टाइम आप क्लीन करते रहें, तो इस तरीके से आप यूज़ में लेंगे तो प्रोजेक्टर एक नंबर सर्विस देगा आपको। ओके, और क्लियरिटी कलर वगैरह काफ़ी अच्छा आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। प्रोजेक्टर में जो है डिस्प्ले टेक्नोलॉजी LCD प्लस LED LTPS डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है, तो जिसमें कलर वगैरह आपको DLP प्रोजेक्टर में जैसा देखने के लिए मिलता है, लगभग वैसा ही फीलिंग आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, सुपर क्लियरिटी सुपर एक्सपीरियंस। तो दोस्तों मॉडल परचेज करने के लिए और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। सुबह 9 बजे से रात के 12 बजे तक आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं मुझे। कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया में अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी ऑल इंडिया के अंदर अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी में आपको कुछ कंफर्मेशन अमाउंट देना होगा, जो भी आपको सही लगता है, फिर बाकी का बैलेंस पेमेंट जब आपको प्रोजेक्टर मिलता है तो आप वहाँ पे पेमेंट करके और पार्सल रिसीव कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए मुझसे कॉन्टेक्ट करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, धन्यवाद दोस्तों। बाकी क्लियरिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एक नंबर क्लियरिटी मिलेगी आपको।